आपने अक्सर अपने घरों में चींटियों को जरूर देखा होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि चींटियां अपने ग्रुप में एक सीधी लाइन बनाकर ही क्यों चलती है, वो एक साथ झुंड बनाकर क्यों नहीं चलती और आखिर कैसे वो इतना सटीक नेविगेशन कर पाते हैं। दरअसल चींटियां कहीं भी जाती हैं तो रास्ता खोजने के लिए उनका खुद का मैकेनिज्म होता है। इंसानों की तुलना में चींटियों का नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। जब भी चींटियां कहीं भोजन की तलाश में जाती है तो सबसे आगे चलने वाली रानी चींटी फेरोमोन नामक एक केमिकल रिलीज करती है, जिसकी सुगंध से दूसरी चींटियां उसे फॉलो करते हुए चलती है। लेकिन मेरे दोस्त, बात यही खत्म नहीं होती। चींटियां कहीं भी जाती है तो एक स्पेशल रूल को फॉलो करते हुए जाती है। जब तक ये अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, ये फेरोमोन रिलीज करती रहती है। लेकिन अब आता है रूल नंबर 2। वापस आते टाइम कोई भी चींटी फेरोमोन रिलीज नहीं करेगी। वो आते टाइम रिलीज हुए फेरोमोन से नेविगेट करके वापस घर पहुंचती है। ऐसी और मजेदार जानकारी मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो।